नमस्कार, स्किल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस की अलग अलग सेविंग स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि कहीं आपके साथ पोस्ट ऑफिस में किसी तरह का कोई धोखा, किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो जाए, या फिर आप ये सोचकर डर रहे हैं कि कहीं आपका पैसा कहीं पर डूब ना जाए, आपके साथ कोई ऐसा धोखा ना हो जाए कि आपका पैसा लेकर कोई भाग जाए, और आपके इसी तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए और आपको अवेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो खास तौर पर बनाई है। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी या फिर पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या पोस्ट ऑफिस में आपके साथ किसी तरह का कोई धोखा हो सकता है। अगर हो सकता है तो आपने किस तरीके से अलर्ट रहना है, किस तरीके से उस धोखे से बचना है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट है और आपका जो अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच ऑफिस में है, दोस्तों ब्रांच ऑफिस जैसे कि मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और आपके गांव में पोस्ट ऑफिस की एक छोटी ब्रांच है, तो ज़्यादातर ब्रांच ऑफिस में क्या होता है कि आपको कंप्यूटराइज्ड एंट्री की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो अगर आप अपने ब्रांच ऑफिस में पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पर आपको जो अगर आपकी जो पासबुक है उसके ऊपर हाथ से एंट्री करके दी जा रही है, तो आप कोशिश करिए कि आप अपने ब्रांच ऑफिस को कहिए कि आप अपने जो सब ऑफिस है वहाँ से आप हमें कंप्यूटराइज्ड एंट्री करवा के दें, या फिर आप खुद ही कोशिश करिए कि जब भी आप अपने नज़दीकी शहर में जाएं जहाँ पर आपका जो सब ऑफिस है, सब पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर आप खुद ही अपनी जो पासबुक है उसकी जो कंप्यूटराइज एंट्री करवा लें। तो कंप्यूटराइज एंट्री से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि जितने भी पैसे आपने जमा किए हैं, चाहे वो आपने अपने सेविंग अकाउंट में जमा किए हैं या फिर आपने कोई FD करवाई है या फिर आपने अपना कोई PLI का प्रीमियम पे किया है, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपका जो पैसा है वो ठीक जगह पर जमा हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, मुझे बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आते हैं कि क्या हमें अपनी जो फिक्स डिपॉजिट या फिर किसी कोई भी पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है वो डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से लेनी चाहिए या फिर हमें एजेंट से लेनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एजेंट से भी अपना जो किसी भी तरह की कोई स्कीम लेते हैं और एजेंट भी अगर आपको जो एंट्री है वो हाथ से करके दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आप अपने एजेंट को भी ये कह सकते हैं कि हमें जो आपकी जो पासबुक है उसके ऊपर जो एंट्री है वो कंप्यूटराइज चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, इसका एक और सोल्यूशन मैं बता दूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास कहीं पर पोस्ट ऑफिस में जाने का समय नहीं है, पोस्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है, जो सब पोस्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ पर आने जाने के लिए आपके पास साधन नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि आप अपना जो आपका जो अकाउंट है उसको अपने मोबाइल नंबर के साथ लिंक कर लें। और दोस्तों, मोबाइल नंबर के साथ अपने अकाउंट को लिंक करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जब भी आपके फ़ोन में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो आपको जो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज मिल जाएगा। मैं रिसेंटली दोस्तों कुछ महीने पहले एक न्यूज़ भी देख रहा था, शायद वो रांची की न्यूज़ थी, वहाँ पर एक बुजुर्ग के जो पोस्ट ऑफिस से 9 लाख रुपए निकलवा लिए गए लेकिन उस बुजुर्ग को पता ही नहीं चला। तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन तो यही है कि आप अपने मोबाइल नंबर को अपने जो अकाउंट है उसके साथ लिंक करवाएं और अपने मोबाइल के मैसेज को चेक करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपके खाते में कोई ट्रांजेक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। इसके अलावा दोस्तों, एक और सोल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आपको मोबाइल और इंटरनेट चलाना आता है तो आप कोशिश करिए कि आप पोस्ट ऑफिस की मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी को भी जरूर लें। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी लेने की सबसे बड़ी फायदा तो आपको ये होगा कि आप बहुत सारे काम जो है वो ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकती हैं और अपने खाते की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो अपने घर बैठे ही देख सकती हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज़ करनी है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप पोस्ट ऑफिस की मोबाइल बैंकिंग कैसे ले सकती हैं, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी कैसे ले सकती हैं, उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, उसका पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकती हैं, और इसके अलावा आप इंटरनेट बैंकिंग को आप यूज़ कैसे कर सकती हैं, आप अपना ऑनलाइन कोई भी अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन FD करवाना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन आपकी कोई FD मैच्योर हुई है उसको क्लोज़ करवाना चाहते हैं, तो वो सारा का सारा प्रोसीजर मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने जो अकाउंट है उसका, जैसे मान लीजिए कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट है या फिर आपका जो सेविंग अकाउंट है, उसकी अप्रैल मंथ में आप उसकी एंट्री जरूर करवाइए, क्योंकि अप्रैल मंथ में जो उसका इंटरेस्ट लगता है, तो आप जरूर चेक करिए कि आपकी आपने जितनी भी अमाउंट जमा की हुई है आपको उस अमाउंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो है वो सही मिला है या नहीं। आप
तो इसलिए अप्रैल मंथ में आपने जो अपनी जो पासबुक है उसकी एंट्री आप जरूर करवाइए। तो दोस्तों ये तो थी कुछ बातें जिनका आपने ध्यान रखना है कि ताकि आपके साथ किसी भी तरह का कोई धोखा ना हो, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो। आप यही कोशिश करिए कि आपकी जितनी भी पासबुक है उसके ऊपर कंप्यूटराइज्ड एंट्री हो और एंट्री बिल्कुल साफ अच्छे तरीके से पढ़ने लायक हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है या फिर आपके साथ किसी तरह का कोई धोखा हुआ है, किसी तरह की आपको परेशानी आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपको उस आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।